नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आशा होम्योपैथी क्लिनिक की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वार्ट यानी मस्सों के ऊपर। मस्से क्या होते हैं? मस्से स्किन का एक इन्फेक्शन होता है, एक वायरल डिजीज होती है जो अधिकतर छुआछूत के द्वारा फैलती है, यानी कि एक ट्रांसफर होती है एक से दूसरे को। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो अधिकतर लोग बाहर शेविंग कराते हैं उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है। पता चला वो एक अनहाइजेनिक कंडीशन में शेविंग कराई गई है, पुराना ब्लेड इस्तेमाल कर लेना या टॉवल के इस्तेमाल से ये इन्फेक्शन संक्रमण एक से दूसरे को लगता है। मस्से चेहरे पर, पलकों पर कहीं भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये मुलायम होते हैं, मुलायम मस्से होते हैं, कभी बहुत हार्ड मस्से होते हैं। तो होम्योपैथी में इन मस्सों का बहुत अच्छा इलाज होता है, होम्योपैथी में बहुत अच्छी कारगर दवाइयाँ हैं। अधिकतर जो मस्से पुडेंकुलेट रहते हैं, जो एक अंगूर की तरह लटके रहते हैं, दाने की तरह लटके रहते हैं, मुलायम होते हैं, मांसल होते हैं, उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है। थूजा सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी के लेने पर मस्से ये सूख कर गिर जाते हैं। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि मस्से जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, छूने पे सख्त महसूस होते हैं और उसमें कांटे कांटे जैसे महसूस होते हैं। उनका जो ऊपर का सिरा होता है वो फटा फटा सा कांटे कांटे की तरह होता है। तो ऐसे मस्सों में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। कॉस्टिकम को आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, कॉस्टिकम 30 पोटेंसी। अगर मस्से मांसल हैं, मुलायम हैं, तो थूजा 30 पोटेंसी लीजिए। अगर मस्से बहुत हार्ड है, छूने पे नुकीले महसूस होते हैं, तो कॉस्टिकम 30 का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ एक बैक्सन कंपनी की एक क्रीम आती है, थूजा ऑइंटमेंट। जी दोस्तों, ये थूजा मैं क्रीम दिखाता हूँ आपको। ये थूजा ऑइंटमेंट आता है, इसको आप मस्सों के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि मस्से बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सूख कर टूट कर गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मस्सा है तो आप थूजा, मस्सा मुलायम है तो थूजा 30 का इस्तेमाल करें, और मस्सा अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, तो कॉस्टिकम 30 का इस्तेमाल करें। और साथ ही आप क्रीम, थूजा क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।